नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और ताजा खबरों को बता दें कि कैबिनेट ने क्या क्या फैसला लिया है झारखंड में। किराना दुकान में शराब बिकेगा कि नहीं, इस पर बात करेंगे। और कॉलेज में जो टीचर घंटी आधारित पढ़ाते थे वो स्थायी होने की डिमांड कर रहे थे, सरकार का फैसला क्या होगा। टेट परीक्षा अभी तक हुई नहीं है लेकिन नियम कई बार बदला, इस पर खास विश्लेषण करेंगे। और पारा शिक्षकों के लिए एक नई उम्मीद आई है, उन लोगों के लिए जो प्रशिक्षित नहीं है। सभी चीजों पर हमारी नजर होगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 21 प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ है झारखंड सरकार के कैबिनेट से। उस 21 प्रस्ताव में मयूराक्षी योजना के लिए राशि आवंटित की गई है, उसके अलावा कई योजना की स्वीकृति देने के साथ साथ एक जो विवादित विषय था, कई दिनों तक इस पर चर्चा रहा सोशल मीडिया में कि अब किराना दुकान और मॉल में शराब बिकेगा, इसको लेकर के सरकार को ऐसा लग रहा था कि उनकी काफी आलोचना हो रही है। और अब कैबिनेट ने यह तय किया है, नया आदेश आया है कि अब किसी भी दुकान में शराब नहीं बेचा जाएगा। यानी कि किसी भी दुकान का मतलब है किराना और मॉल दुकान में, जो मॉल था और जो किराना है, जो कैबिनेट की पुरानी आदेश थी उसको निरस्त कर दिया गया और नया आदेश लाया गया है कि अब किसी किराने दुकान में, चावल दाल की दुकान में अब शराब नहीं बेची जाएगी। और ये थोड़ी अच्छी खबर है, इसलिए क्योंकि इसके पहले खबरें आ रही थी कि लोगों के अंदर नाराजगी भी है इसे लेकर के, और काफी दिनों तक सोशल मीडिया में ये खबर चलती रही, लोग नाराज थे, लोगों को लग रहा था कि झारखंड में ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या आने वाले समय में पान दुकान में भी शराब बेचा जाएगा। लेकिन अब सरकार ने इस बिल को वापस लिया, नया कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया और ये प्रस्ताव में है कि ऐसा अब नहीं होगा। दूसरी आज की सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है वह है टेट परीक्षा होगी कि नहीं होगी। और अगला सवाल यह है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि होगी तो नया प्रावधान क्या होगा। झारखंड अब तक का सवाल है कि क्या सिर्फ नियम बदलता रहेगा, क्या हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना एक नया नियम आएगा और टेट परीक्षा नहीं होगा। जी हाँ, यही कहानी झारखंड में चल रही है। झारखंड बनने के बाद अभी तक दो टेट की परीक्षा हुई, एक बार 2016 में, एक बार 2013 में। नियम फिर से एक बार आ गया, प्रत्येक वर्ष टेट होना चाहिए, ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं लगता है, इसलिए नियम बन जाता है। और एक फिर से पिछली बार कुछ परिवर्तन किया गया था, फिर एक नया परिवर्तन आ गया जिसमें अब रखा गया है कि क्षेत्रीय भाषा में जनरल कैंडिडेट को 40% नंबर लाना जरूरी होगा, साथ ही साथ एससी एसटी और रिजर्व कैटेगरी को 35% नंबर लाना जरूरी होगा। 6-8 में 250 अंक की परीक्षा होगी, 5 खंड में 3 खंड का उत्तर देना होगा, जिस विषय से स्नातक किए हैं उसी विषय से आपको एग्जाम लिखना होगा। ये सारी बातें और भी लंबी चौड़ी है, ये सब कुछ जान करके आखिर क्या फायदा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक आप इस धरने में आइएगा, जब आप तैयारी शुरू कीजिएगा, तो पता चलेगा 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद कि नया नियम आ गया है, नया प्रस्ताव आ गया है। अब देखिए, टेट में पिछले 3-4 महीने में जितनी बार कैबिनेट की बैठक हुई है, हर बार ये नहीं होता है कि कितने तारीख को परीक्षा होगा। हमारे कमेंट बॉक्स को जब आप खोलिएगा तो उसमें 50% मैसेज टेट को लेकर होता है और ज्यादा लोग यही पूछना चाहते हैं कि सर ये कब होगा, होगा कि नहीं होगा, मेंस होगा कि पीटी होगा, पहले क्या होगा, तरह तरह के सवाल होते हैं। सरकार चुप रहती है, सरकार ऐसा मसौदा लाती है जिसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। मसलन आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेंस होगा कि नहीं होगा, मेंस होगा तो कब होगा, आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि 2019 में टेट पीटी होगा कि नहीं होगा, लेकिन सरकार को इससे क्या फर्क। सरकार ने साफ तौर पर जो नियम लाया उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं रखा कि एग्जाम लेंगे कि नहीं लेंगे। हाँ, इतना जरूर लिख दिया कि हर वर्ष टेट परीक्षा होनी चाहिए और अगर नहीं होती है तो क्या टेट योग्य उम्मीदवारों को, जो बीएड करके बैठे हैं, क्या उनको कोई बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कई व्यूअर ने यह सवाल भी पूछा है कि 2016 से वो इंतजार कर रहे हैं, 13 वाले भी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए, हालांकि 13 वाले के कुछ लोगों की नियुक्ति हुई है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा।
और ये हम इसलिए कह रहे क्योंकि अब चुनाव का समय आ जाएगा, चुनाव के समय में परीक्षा नहीं होगी। सरकार जो भी नई बनती है फिर नई नियमावली आ जाएगी, तो क्या स्टूडेंट इस बार भी ठगे गए हैं? आप अपना कमेंट लिखिएगा जरूर। हमारा सवाल यह है कि कैबिनेट का प्रस्ताव पारित हुआ, बहुत अच्छी बात है। सिलेबस में नया बदलाव किया गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। 250 अंक का होगा कि 200 अंक का होगा, सारी चीजें ठीक है। 40% नंबर लाना होगा, 35% लाना होगा, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये टेट परीक्षा वाले को नहीं बताया गया। जो लोग परीक्षा लिखने के लिए आतुर हैं, जो तैयारी करके बैठे हैं, अलग अलग संस्थानों में तैयारी कर रहे हैं, उनको ये जानकारी नहीं दी गई। कैबिनेट के प्रस्ताव में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि परीक्षा कब होगी। सिर्फ ये है हर साल होना चाहिए, तो फिर 2019 में होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे का रुख कर लेते हैं। जादूगोड़ा में कौशल विकास योजना की शुरुआत बहुत दिनों से हुई थी और यहाँ पर प्लास्टिक मुक्त भारत ये जो चल रहा है अभियान, इसे अपनाने के लिए आज एक रैली निकाली गई। लोगों ने स्वच्छता का संदेश दिया और जादूगोड़ा क्षेत्र में उन्होंने कहा कि इस दुर्गा पूजा के अवसर पर प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे, वन टाइम जो यूज प्लास्टिक है वो नहीं किया जाएगा। पूरे झारखंड में भी बार बार ये सूचना दी जा रही है, मुख्यमंत्री के स्तर से दिया जा रहा है, प्रशासन के स्तर से दिया जा रहा है कि नो प्लास्टिक थ्योरी को अपनाया जाए, प्लास्टिक मुक्त झारखंड को बनाया जाए, इस नियम को सभी लोगों को लागू करना चाहिए। कॉलेज के लिए, कॉलेज में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने एक रिपोर्ट अपनी की थी और उस रिपोर्ट में हमने बताया था कि लाखों करोड़ों रुपया आता है लेकिन फंड ऐसा है कि वो कहाँ यूज होता है किसी को नहीं पता। और अधिकांश कॉलेज की बिल्डिंग जर्जर हो गई है। पंखा एक लड़की जो परीक्षा लिख रही थी उसके सर पे गिर गया था जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज में। लेकिन अब कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ पर संविदा पर आधारित नियुक्ति की गई थी, 600 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से ये तय हुआ था कि दिया जाएगा, लेकिन साथ में मैक्सिमम सैलरी 36,000 रुपया मिलेगा, ये इसमें कैप लगा दिया गया था। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद सारे शिक्षक मिलकर के आंदोलन कर रहे थे कि उन्हें अस्थाई कर दिया जाए, क्योंकि अस्थाई वाला को जितना ज्यादा सैलरी मिलता है उसके तुलना में उन्हें कम दिया जाता है। कैबिनेट ने अपने बैठक में स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसी भी लेक्चरर को जो संविदा पर आधारित है, प्रति घंटी हिसाब से 600 रुपया वाले हैं और मैक्सिमम उनको 36,000 ही मिल सकता है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर अस्थाई नहीं किया जाएगा। ये खबर है कि उन्हें अस्थाई नहीं किया जाएगा, आपको संविदा के आधार पर ही पढ़ाते रहना है, जैसे प्रति घंटी दिया जाता था पैसा वैसे ही दिया जाएगा। पारा शिक्षकों में जो लोग अप्रशिक्षित हैं इनकी संख्या 7,000 से ज्यादा है और इनको एक मौका दिया गया है कि आप एक बार फिर से प्रशिक्षण वाला परीक्षा को पास कीजिए और अब आपका पेमेंट भी दिया जाएगा। जिनकी इंटरमीडिएट में 45% नहीं हुआ है उनके लिए भी खासा दिक्कत हो रहा है, उनको जिनका इंटर में 45% नहीं है, खास करके वैसे पारा शिक्षकों को ज्यादा समस्या आ रही है। हमारे साथ आप बने रहिएगा, बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।